देखिएगा। देखिए भाई, हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं और ये जीत राहुल गांधी जी की जीत है, किशनगंज वासियों की जीत है, महागठबंधन के हमारे साथियों की मेहनत की जीत है, कांग्रेसी साथियों की मेहनत की जीत है। और सबसे बड़ी जीत है कि यहाँ के चैन पसंद हमारे किशनगंज के भाई बहन जो हमारे हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के निवासी, जो सबको ले कर चलना चाहते हैं और शांत मिजाज के लोग हैं, उनकी जीत है। एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा था और दूसरी तरफ इनका नरेंद्र मोदी का चेहरा था, इन सबों को नकारते हुए आपकी जीत पक्की हुई है, क्या कहेंगे सर? किशनगंज जो है हिंदुस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में हिंदुस्तान के सभी लोग बहुत इज्जत से नाम लेते हैं, और वो इसलिए लेते हैं कि ये साफ दिल के लोग हैं और इनकी पसंद सादगी वाली पसंद है। ये गंगा जमा तहजीब जो आप कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता देखिए, इसमें तो जहाँ तक है कि जितना डेवलपमेंट हम लोग कर सके हैं अभी तक, उससे ज़्यादा करने की कोशिश रहेगी। और एमयू का मुद्दा हम लोग का बहुत यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है, और अब देखते हैं ये नई सरकार वही रवैया रखेगी यहाँ के लोगों के प्रति या कुछ सुधार होगा। मतलब शिक्षा पर कि हम यहाँ से चुने गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एमयू की शाखा जिस नीयत से कांग्रेस ने शुरू की थी, जो यहाँ पे दिया था, उसको हम लोग पूरा करें। और उसके साथ साथ और भी कई इदारे हैं जिसके बुनियाद को रखने की हम लोग कोशिश करें। पूरा देश का अधिकार गढ़ा हुआ था किशनगंज जिले पे, और इसे में आप जीत गए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लिए? यहाँ के लोगों ने संदेश दे दिया कि हम लोग जो है सेकुलर लोग हैं और सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, और ना तो हमें राइट विंग में जाना है ना और कोई विंग में जाना है। हम लोग राइट विंग पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं यहाँ के लोग, और ख़ास करके किशनगंज में आप देखे होंगे।